अब क्या हुआ है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? इसकी सजा करानी है। सजा करानी, FIR कराने आए हो? क्या ये गर्भवती भी है? ना, एज कितनी है इनकी? लड़की की उम्र कितनी है? ठीक है, लड़की की बाइक पूरी बात बताना अपने आप, ठीक है? इधर 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 आओ, और बीच में मत बोलना भैया, कोई पूरी बात इधर खड़ी इधर। अरे एक मिनट, अब यही खड़ी रहो, जहाँ खड़ी हो वहीं रुक जाओ, ठीक है? और जब मैं पूछूंगा तब बोलोगी मेरी तरफ देख के। हाँ बताओ, क्या मामला है, क्या बात हुई है बेटा, पूरी शुरू से आखिर तक की बताओ। हाँ रेप भी किया आपका? पूरी बात बताओ बेटे, पूरी। हाँ हाँ, फिर मुझे उसके मुझसे बोला था, मैं हिंदू जो है वो अमर नाम रखा था अपना, मैं उस पर एक दिन उसका फोन आया था, तो उसने दोस्त को बोला कि मॉम ने लिख नाम है उसका, फिर घर जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे रास्ते में मारा, उसकी शादी में शादी मारना चाहती है, उसे जेल कराना चाहती हूँ, जिंदगी में माँ जो है हमारे जी राजकुमार राजपूत जी के पास आई, राजकुमार राजपूत जी ने मुझे फ़ोन करके बताया, मालूम पड़ा कि मुस्लिम कोई लड़का है खालिद नाम का, जिसने कि अपना नाम अमन बता रखा था, लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जैसे कि जो लव जिहाद की जो बात चल रही है, वो लव जिहाद ऐसे ही चल रहे हैं, आज की तारीख में जितने मुस्लिम लड़के हैं कॉलेजों के पास सलावा बांध के घूमते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, और अपनी पहचान को छुपाकर हिंदू बताकर लड़कियों को होली वाली लड़कियों को फंस रहे हैं। यही किस्सा इस लड़की के साथ हुआ, ये ब्यूटी पार्लर में लड़की काम भी करती है, साथ ही साथ खड़ी हुई है। इस लड़की को अमन नाम से उन्होंने फंसाया, फंसाने के बाद इसके संग कई बार बलात्कार, एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया, और बलात्कार की वीडियो बनाई और वीडियो को दिखाकर लगातार बलात्कार करते रहे, लगातार ब्लैकमेल करता रहा और बलात्कार करता रहा। उसके बाद जब उस लड़के ने का नाम इसको पता चला बीच में कि ये खालिद है अमन नहीं है, इसके मोबाइल पर जो उसने मोबाइल का सिम दे रखा था, उस पर किसी उसके दोस्त का फोन आया, उसने कहा ये तो अमन का मोबाइल है, उसने कहा नहीं अमन का नहीं है, खालिद का मोबाइल है, तो इस लड़की को पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है। तब इस लड़की ने रिश्ते तोड़ने की कोशिश करी, तो उसने उस वीडियो को दिखाकर इसके संग फिर भी बलात्कार करा। लड़की बता नहीं रही है, लेकिन लड़की पिछले एक माह से लगभग गर्भवती है, जिसकी मेडिकल में पुष्टि भी हो जाएगी। लड़की जो है यादव समुदाय की है, SC ST एक्ट लगना चाहिए इसके ऊपर, पासपोर्ट लगना चाहिए इसके अंदर। तो मेरा कहना यही है योगी सरकार से कि ये लव जहाज जो चल रहा है पूरे प्रदेश में पूरे देश में, इस पर अंकुश लगना चाहिए और भोली वाली लड़कियों को इस जाल से बचाना चाहिए। ये क्या इसे क्यों ऐसा लगा कि ये हिंदू है, क्या मंदिर वगैरह जाता था, कलावा बांधता था क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का जो है, जो कि जैसे कि ये बच्ची बता रही है कि वो कलावा बांध के घुमा करता था और इसके संग मंदिर भी गया है। जब आप मेरे संग कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा तो मैं तो यही समझूंगा कि वो हिंदू है, लेकिन अगर वो मोबाइल पे फ़ोन नहीं आता तो ये लड़की अभी भी भ्रम में थी कि वो हिंदू ही है, क्योंकि वो अपना नाम अमन बता रही है। तो आजकल ये फैशन सा हो गया है कि मुस्लिम लड़के कलावा बांध के घूम रहे हैं, अपने नाम जो है हिंदुओं के नाम पे रखते हैं, जिसकी वजह से ये भोली वाली लड़कियों को फंसाते हैं और भोली वाली लड़कियाँ हिंदू उनके प्रेम जाल में फंस के बलात्कार की शिकार होती हैं। तो ये लव जिहाद के खिलाफ हमारी ये मुहिम है और हम ये कहते आए हैं बराबर, राजकुमार राजपूत जी भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी ये कहते आए हैं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, अन्यथा समाज में स्थिति विकराल होगी।